देश भर में कोरोना महामारी का कहर जारी है और ऐसे में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के साथ अब पीला फंगस का केस भी देखने को मिला है, जिसका पहला मरीज गाजियाबाद के हर्ष ईएनटी अस्पताल में आया है। इस मरीज के अंदर तीनों लक्षण पाए गए हैं। ये जो पीला फंगस है, इसका जो नेम है वो है म्यूकर सेप्टिकस। जो म्यूकर माइकोसिस होता है ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन जो म्यूकर सेप्टिकस है ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन में देखा गया है। ये यूजुअली छिपकली वगैरह में मिलता है और इसको फर्स्ट टाइम मैंने एक पेशेंट में देखा है जिसमें वाइट फंगस भी था और जिसमें ब्लैक फंगस भी था और जिसमें पीला फंगस भी देखने में आया है। इसका सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इसके लक्षण थे कि उसको एक्सट्रीम वीकनेस है, उसको सर दर्द है, उसको सांस लेने में दिक्कत है। जब मैंने उसको एंडोस्कोप से देखा तो उसमें तीनों फंगस मुझे नज़र आई। जो ये तीसरा फंगस है, इसका अभी कोई लिटरेचर में कुछ ज़्यादा इलाज मेंशन नहीं है, लेकिन इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन भी जो हम ब्लैक फंगस के लिए यूज कर रहे हैं, उसको पीले फंगस के लिए हमें अधिक मात्रा में यूज करना होगा, जो कि 7 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाएगा। और अगर 50 किलो का कोई आदमी है तो उसमें 7 हमें इंजेक्शन देने होंगे। और जो ये वाइट और जो ब्लैक फंगस है उसमें 5 देने होंगे। डॉक्टर साहब, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं जी, किस तरीके से संक्रमण को अधिक बढ़ाता है ये जो और संक्रमण है हमारे, उनसे इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है कि ये घाव को भरने नहीं देता है। कोई भी फंगस अगर शरीर में है तो उसका हम क्या करते हैं कि सफाई करते हैं और उसकी सफाई करने के बाद ये इंजेक्शन देते हैं। लेकिन अगर ये पीला फंगस घाव को भरने नहीं देगा तो वो हमारे जो मरीज हैं उनके लिए डेडली साबित होगा। सर, ये जो पीला फंगस है, क्या डॉक्टर साहब ये उन्हीं होता है जिन्हें ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, या अलग है? नहीं, ये अलग एंटिटी है, लेकिन इस पेशेंट में ये तीनों फंगस मिले हैं। ये अलग एंटिटी है जो रेप्टाइल्स में मिलता है। तो इसमें सर डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें बचने की कितनी उम्मीद है? ये बहुत टॉक्सिक है क्योंकि तीन फंगस एक साथ मिले हैं। एक फंगस फेफड़ों पे अटैक करेगा, एक फंगस ब्रेन पे अटैक करेगा और एक फंगस घाव को भरने नहीं देगा। ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने बताया कि उनके अस्पताल में मरीज के अंदर पीले फंगस का लक्षण मिला है। उन्होंने अपनी केस स्टडी में ऐसे लक्षण का मरीज आज तक नहीं देखा है। उन्होंने बताया कि पीले वायरस को सिर्फ दूरबीन के माध्यम से देखा जा सकता है। फिलहाल पीले फंगस का एक ही केस देखने को मिला है। ये फंगस ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जो घाव को भरने ही नहीं देता है। ऐसा एक मामला आने के बाद डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद।